हम यहाँ पर टिकटॉक पे क्लिक करते हैं। ये ले जी, क्लिक किया तो टिकटॉक सबसे पहले यहाँ पर टेक्नो ने चलाई है। हेलो एवरीवन, दिस इज मान फ्रॉम नेक्स्ट टेक फाइनर। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जी टेक्नो कैमन 17 और यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10S। यहाँ पर आज हम दोनों फ़ोन को कंपेयर करने वाले हैं, इनका स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इन दोनों फ़ोन की अगर प्राइस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट दोनों के प्राइस सेम है, 24,999 इनके फ़ोन हैं, दोनों के प्राइस सेम है। यहाँ पर देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आप इनकी लुक देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे इनकी लुक देख लीजिए, ज़्यादा खूबसूरत आपको कौन सा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जो मुझे लग रहा है वो टेक्नो कैमन 17 लग रहा है। देखें इसकी जो लुक है वो काफ़ी प्यारी लग रही है। यहाँ पर जो इन्फिनिक्स है और इसकी लुक मुझे इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। यहाँ पर जी हम दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर जी चले हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हम इन फ़ोन दोनों को एक बार टोटली ऑफ़ कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे करके इन दोनों को ऐसे करके ऑफ़ कर लेते हैं। एक साथ ऑन करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन होता है। तो यहाँ पर जी हम दोनों फ़ोन को ऑफ़ कर देते हैं जी। ये दोनों फ़ोन एक साथ ऑफ़ कर दिए हमने। ये होगा इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है सब क्लोज़ हो जाएगी, फिर हम इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इनके डिस्प्ले की बात करूँ तो टेक्नो का जो डिस्प्ले है 6.6 इंच देखने को मिल रहा है और इन्फिनिक्स का डिस्प्ले साइज़ है वो आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है, 6.8 इंच देखने को मिलता है, थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों की सेम है, 720 है, दोनों की सेम है। यहाँ पर जी आपको PPI डेंसिटी है वो टेक्नो की ज़्यादा देखने को मिल रही है, 266 देखने को मिल रही है और यहाँ पर इन्फिनिक्स की 263 देखने को मिल रही है। यहाँ पर जी दोनों का पावर बटन प्रेस करके हम कर लेते हैं जी ऑन। एक साथ ऑन करेंगे, दोनों का बटन मैंने प्रेस कर दिया, तो देखते हैं कौन सा पहले ऑन होता है। यहाँ पर अगर टेक्नो नंबर लेके जाता है या इन्फिनिक्स। यहाँ पर अगर मैं इसमें चिपसेट की बात करूँ तो दोनों की चिपसेट सेम है, दोनों में आपको मीडिया टेक हीलियो G85 12 नैनोमीटर भी मिल रही है, दोनों में सेम चिपसेट है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी दोनों में सेम ही है, आपको सेम मिल रहा है। यहाँ पर आपको इसके अंदर CPU भी यहाँ पर सेम ही मिल रहा है, ऑक्टाकोर CPU है और यहाँ पर आपको कोर्टेक्स A55 दोनों में सेम मिल रहा है। यहाँ पर देखें जी टेक्नो और XOS, यहाँ पर टेक्नो सबसे पहले ऑन हो चुका है हमारा, यहाँ पर इन्फिनिक्स थोड़ा लेट हुआ है दोनों को, हालांकि मैंने साथ ही किया था, अभी दोनों का मेन्यू नहीं आया। तो यहाँ पर देखें टेक्नो का पहले आ चुका है, टेक्नो ज़्यादा फास्ट चल रहा है, इन्फिनिक्स अभी भी आ रहा है। चलें यहाँ पर जी हम सबसे पहले इसका डायलर खोल लेते हैं, कौन सा फ़ोन सबसे पहले डायलर खोलता है। दोनों फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड हैं, दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्ट हैं। चलो जी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर टेक्नो का थोड़े पहले आ गया है डायलर। यहाँ पर जी हम मैसेजिंग एप्लीकेशन खोल लेते हैं, वो देखते हैं किसकी पहले आती है। ये क्लिक किया तो यहाँ पर देखें टेक्नो की पहले आई है, ठीक है। और यहाँ पर जी चले हम कैमरा ओपन करते हैं, कौन सा फ़ोन सबसे पहले जल्दी कैमरा खोलता है। यहाँ पर जी ये क्लिक किया तो जी यहाँ पर इन्फिनिक्स थोड़ा सा आगे रहा है, इन्फिनिक्स का कैमरा जल्दी है। यहाँ पर हम यहाँ पर गूगल क्रोम खोल लेते हैं, कौन सा पहले खोलता है। ये क्लिक किया तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो गूगल क्रोम खुला है वो टेक्नो का खुला है। यहाँ पर जी हम कुछ एप्लीकेशनें खोल लेते हैं जो मैंने इसमें डाउनलोड की हैं, फिर हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टिकटॉक पे क्लिक करते हैं। ये ले जी, क्लिक किया तो टिकटॉक सबसे पहले यहाँ पर टेक्नो ने चलाई है। चले जी यहाँ पर स्नैक वीडियो पर क्लिक करके देखते हैं कौन सी पहले चलती है। ये ले जी, मैंने स्नैक क्लिक किया तो यहाँ पर टेक्नो सबसे आगे रहा है, थोड़ा फास्ट देखने को मिल रहा है, टेक्नो थोड़ा फास्ट मुझे मिल रहा है। यहाँ पर जी सबवे सर्फ पे क्लिक करते हैं जी, ये क्लिक किया तो देखते हैं कौन पहले खोलता है। तो यहाँ पर जी ये देखें, आपने देखा यहाँ पर टेक्नो ज़रा आगे है, इन्फिनिक्स थोड़ा लेट है। देखें अभी भी उसने प्ले कर दिया और इन्फिनिक्स अभी भी सोच रहा है, देखते हैं कितना टाइम ले लेता है। तो ये देखें इन्फिनिक्स हमें यहाँ पर थोड़ा स्लो देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर टेक्नो ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो ये देखें अभी इन्फिनिक्स ने अभी जाके खोल लिया है। चलें जी हम इनको दोनों को मिनिमाइज़ कर लेते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर हम खोलते हैं जी टेंपल रन गेम खोल लेते हैं, देखते हैं। ये क्लिक किया तो यहाँ पर देख लेते हैं जी, ये देखें आपने खुद देखा यहाँ पर टेक्नो ज़रा हमें फास्ट देखने को मिल रहा है, टेक्नो ज़रा फास्ट चल रहा है। अभी देखें अभी लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर टेक्नो ज़्यादा फास्ट है, अभी वो प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर जी हम इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें जी ट्रैफिक गेम चलाते हैं जी, इस पर क्लिक किया तो कौन सी पहले खोल लेती हैं। तो यहाँ पर जी यहाँ पर इसने ज़्यादा फास्ट किया है,
टेक्नो भी यहाँ पर भी आगे रहा है थोड़ा, वो भी ओवर एप्लीकेशन में चला गया और स्लो उसने ओपन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जी हम अब रह गया हमारा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे क्लिक कर लेते हैं जी। ये देखें जी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप इनफिनिक्स थोड़ा सा आगे रहा है, एक सेकंड का आप लगा लें यहाँ पर, ये आगे रहा है। तो व्यूअर यहाँ पर जी हम कुछ और इसके फीचर्स की बात करते हैं जो इसमें दिए गए हैं। व्यूअर यहाँ पर अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो आपको यहाँ पर टेक्नो में 48 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, इन्फिनिक्स में भी 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में, इसके अंदर आपको तीन कैमरे मिल रहे हैं, 48 मेगापिक्सल का मेन है, इसमें भी आपको तीन कैमरे मिल रहे हैं, यानी कि दोनों सेम मिल रहे हैं। यहाँ पर जी आपको फ्रंट कैमरे में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स का जो फ्रंट कैमरा है हमें यहाँ पर 8 मेगापिक्सल मिल रहा है, इसका आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा है, कैमरा ज़्यादा यानी कि टेक्नो का है। अब यहाँ पर अगर देखें तो फिंगरप्रिंट दोनों में है, एक्सेलेरोमीटर प्रॉक्सिमिटी दोनों में है। यहाँ पर अगर देखें तो बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो बैटरी जो है आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रही है, 6000 mAh की बैटरी है। तो यहाँ पर टेक्नो की जो बैटरी है 5000 mAh की है, आपको टेक्नो में फास्ट चार्जिंग मिल रही है, 18 वाट पे ये फास्ट चार्जिंग करेगा। चले यहाँ पर हम मिनिमाइज एप्लीकेशन है वो जो मैंने गेमें खोली है वो देख, खोल के दोबारा खोलते हैं कौन सा फोन रिस्टार्ट होता है, कौन सा वहीं से खोलता है। चलें जी यहाँ पर हम आते हैं जी ये जी टिकटॉक की तरफ, तो ये क्लिक करते हैं, देखते हैं रिफ्रेश होकर चलाती है या फ़ोन चला लेती है। ये क्लिक किया तो दोनों ने सही चलाया, दोनों फास्ट हैं, सही है बिल्कुल। अच्छा जी हम आगे जाते हैं, अब यहाँ पर हम जी स्नैक वीडियो चेक कर लेते हैं जी, स्नैक पे ये क्या करता है, हमें क्या करता है। यहाँ पर देखिए जी स्नैक एप्लीकेशन ये आ गई हमारी यहाँ पर, और हम यहाँ पर भी चले जाते हैं स्नैक, देखते हैं स्नैक में रिस्टार्ट करता है नहीं करता। तो ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, तो दोनों ने बिल्कुल ठीक चलाया है, दोनों फास्ट हैं। यहाँ पर जो स्पीड टेस्ट जो मैंने जिसमें किया है उसमें मुझे टेक्नो ज़्यादा फास्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर साइज़ का अगर देखा तो टेक्नो का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, इन्फिनिक्स ज़्यादा है। अगर आपको डिस्प्ले साइज़ चाहिए तो फिर इन्फिनिक्स बेस्ट है, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए फास्ट तो यहाँ पर आप टेक्नो ले सकते हैं, टेक्नो ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर जी हम इसका कैमरे की तरफ जाते हैं तो कैमरा हम खोलते हैं जी, रिस्टार्ट तो नहीं करता। तो कैमरा देखें इन्फिनिक्स ने लेट चलाया और टेक्नो ने पहले चलाया। तो व्यूअर यहाँ पर जी आपको नोटिफिकेशन बाहर नीचे करने पे सेम फीचर्स मिलते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अगर यहाँ पर लुक की बात की जाए तो लुक जो ज़्यादा प्यारी है वो टेक्नो की है। यहाँ पर इन्फिनिक्स भी अच्छा है, इन्फिनिक्स को मैं बुरा नहीं कहूँगा, इन्फिनिक्स बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे जो लगा है वो टेक्नो ज़्यादा फास्ट लगा है, और यहाँ पर जी स्लिम एंड स्मार्टफोन और खूबसूरत भी है। तो यहाँ पर आप चार्जिंग पोर्ट दे सकते हैं, ऊपर से दे सकते हैं, साइडों से दे सकते हैं, कैमरे का डिज़ाइन भी आप यहां पर दे सकते हैं। फिंगरप्रिंट दोनों के फास्ट हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो व्यूअर ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इन्फिनिक्स और टेक्नो में से फास्ट कौन सा चलता है, स्पीड टेस्ट किया है वो है जी टेक्नो। तो व्यूअर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।